काफ़ी लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि वेट लॉस में हमको फीका बिना मसाले वाला खाना पड़ेगा, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो दो वेजिटेबल रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सबसे पहले ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी बनती हैं, प्लस इन दोनों रेसिपीज़ को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज इन दो रेसिपीज़ के बाद मैं आपको बताऊँगी 3 टाइप्स की टी जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगी। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो सबसे पहले बनाएंगे हम परवल की सब्जी। उसके लिए हमने यहाँ पे कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी राई एंड जीरा ऐड कर देंगे, देन हम इसमें ऐड करेंगे परवल। गाइस ग्रीन सब्जियाँ जो होती हैं ना उसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है एंड इसमें विटामिंस एंड मिनरल्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। देन हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक, यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे एंड थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद थोड़ी सी हिंग ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा करी पत्ता भी ऐड कर देंगे। गाइस इन सब चीज़ों से बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। देन हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो यानी कि टमाटर। ये जो रेसिपी है ना आप इस रेसिपी को अपने लंच एंड डिनर में इंक्लूड कर सकते हो, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको इजीली अपने घर पे बना सकते हो। देन इसमें हम लास्ट में वाटर ऐड कर देंगे एंड देन कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 विसल लगा लेंगे एंड दैट सिंपल गाइस। एंड अवर परवल की सब्जी इज रेडी। गाइस इसको आप 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी के साथ अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड रेसिपी। अब हम बनाएंगे राजमा की सब्जी। राजमा चावल तो आपने सुना ही होगा बट ये वाली रेसिपी मेरी बहुत ही फेवरेट वाली रेसिपी है। तो उसमें सबसे पहले कुकर में हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है एंड देन इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये सब्जी 6 लोगों के लिए बन रही है तो आपको क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग लेनी है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा अनियन यानी कि प्याज ऐड कर लेंगे। तब तक इसको कुक करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ब्राउन कलर के ना हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें राजमा ऐड कर देंगे। गाइस राजमा में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है तो आप इसको अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। फिर इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, देन रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची पाउडर, देन उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके 5 से 6 सीटी यानी कि 5 से 6 विसल लगाने के लिए हम इसको रख देंगे। उसके बाद हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम वापस से 5 से 6 सीटी लगाएंगे। इस रेसिपी को आप अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आपको राजमा बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको महीने में 1 या 2 बार ही अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। एंड नाउ यू कैन सी आवर राजमा की सब्जी इज़ रेडी। गाइस आई नो वो टी रेसिपीज़ का आप वेट कर रहे हो। अगर अभी तक से आप इस वीडियो पे हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टी रेसिपीज। सो आज मैं आपको टोटल 3 टाइप्स की टी रेसिपीज़ बताऊंगी। सबसे पहले है टर्मरिक टी। तो उसके लिए एक सॉस पैन में हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, देन क्रश की हुई काली मिर्ची यानी कि ब्लैक पेपर, इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे एंड बॉईल करने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये बॉईल हो जाए उसके बाद हम इस ड्रिंक को स्ट्रेन कर देंगे एंड स्ट्रेन हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस एंड इट्स रेडी। सेकेंड रेसिपी का नाम है ब्लैक टी। उसमें भी एक सॉस पैन में हमने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे क्रश की हुई इलायची, 2 से 3 इलायची लिए हमने यहाँ पे। फिर उसमें हम ऐड करेंगे क्रश की हुई काली मिर्ची यानी कि ब्लैक पेपर एंड लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती। देन हम इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे, उसके बाद स्ट्रेन कर देंगे एंड इट्स रेडी। थर्ड रेसिपी जो है वो बहुत ही इजी रेसिपी एंड मेरी बहुत ही फेवरेट टी है। तो सबसे पहले एक सॉस पैन में हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। फिर हम इसमें 1 चम्मच फेनल सीड एंड थोड़ा सा जीरा ऐड कर लेंगे। देन इनको हम ढक के ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमको बॉइल करना है, उसके बाद स्ट्रेन कर देना है। जैसे ही ये ड्रिंक ठंडी हो जाए उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देना एंड इट्स रेडी। सो आई होप ये रेसिपीज आपको अच्छी लगी होंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।